हेलो दोस्तों, मैं प्रभात मौर्य आज लेकर आया हूँ एक नई वीडियो जिस पर मैं बात करूँगा कि जो है कि आजकल एंड्रॉयड फ़ोन सभी लोग चलाते हैं और उन लोगों के साथ थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे मोबाइल में थोड़े बहुत जो उपयोगी ऐप हैं वही हैं और थोड़े बहुत सॉन्ग्स वगैरह वीडियोस वगैरह हैं, फिर भी हमारे मोबाइल का स्टोरेज जो है ज़्यादा होने के बावजूद भी फुल दिखा रहा है। तो इस दिक्कत को कैसे दूर करेंगे, कहाँ से सेटिंग करेंगे तो कि ये प्रॉब्लम मोबाइल में ना आए, तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं आगे की वीडियो में। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बात करते हैं कि जो है कि उस दिक्कत को दूर कैसे करेंगे जो हमारे मोबाइल का स्पेस जो फुल दिखाता है बिना ज़्यादा ऐप के और बिना ज़्यादा वीडियो भी नहीं रखे हैं, फिर भी हमारे मोबाइल का जो है स्टोरेज फुल क्यों दिखाता है। तो उसके लिए, इसको क्लियर करने के लिए आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाइए और जब आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप सेटिंग्स में जाने के बाद आप यहां से स्टोरेज पर क्लिक करिए। तो आप यहां स्टोरेज पर जब क्लिक करेंगे तो यहां से देख लीजिए, जो जब आप स्टोरेज पर क्लिक करेंगे तो फिर नीचे आएंगे तो यहां से कैश्ड डेटा का ऑप्शन आएगा। तो कैश्ड डेटा जो है उसमें जाके जो हम डेटा यूज़ करते हैं इंटरनेट वगैरह जितने भी ऐप से, वो पूरा डेटा इसमें कैच्ड होता है और वह हमारे मेमोरी की स्पेस को भर देता है। जब यह धीरे धीरे भर जाता है तो हमारे लिए परेशानी आती है कि हम कोई ऐप अगर इंस्टॉल करते हैं तो वो इंस्टॉल नहीं होता है और वो दिखा देता है कि स्पेस फुल है मोबाइल का, और हमारे मोबाइल थोड़ा स्लो भी काम करती है और हैंग वगैरह होने लगती है। सब परेशानियां हम लोगों के साथ होती है। तो यहां से आप इस कैश डेटा को क्लियर कर दीजिए। देखिए एक बार में क्लियर नहीं होता है, इसको कई बार करेंगे तो क्लियर हो जाएगा भी। देखिए यह डेटा जो है क्लियर हो गया। अब फिर उसके बाद यहाँ से आप बैक हो जाइए। जब आप बैक हो जाएंगे तो यहाँ से आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो है कि आपका स्पेस जो है खाली हो जाएगा मेमोरी का। लेकिन अभी कुछ और जगह हैं सेटिंग्स करनी, जहाँ से आपको जब आप सेटिंग करेंगे तो वहाँ से और आपका मोबाइल का स्पेस खाली हो जाए। उसके लिए आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए और फाइल मैनेजर में अगर आप फ़ोन जो स्टोरेज में जब आप गए थे वहाँ से अगर आपने फ़ोन स्टोरेज में सेटिंग्स की है तो फ़ोन स्टोरेज में जाइए, और अगर एसडी कार्ड में सेटिंग्स की है तो एसडी कार्ड में जाइए। तो मैंने फ़ोन स्टोरेज में सेटिंग किया था तो मैं फ़ोन स्टोरेज में जाता हूँ, और फिर उसके बाद यहाँ से मैं व्हाट्सएप पर आता हूँ। जब मैं यहाँ से व्हाट्सएप पर फिर मीडिया पर, तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से जो हम अपनी प्रोफाइल की फ़ोटो लगाते हैं वो यहाँ सेव हो जाती हैं, तो उसको यहाँ से आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप जो वीडियो सेंड करते हैं वो भी यहाँ से आपके जो है डॉक्यूमेंट जो है कि यहाँ पे सेव हो जाती हैं। तो आप व्हाट्सएप वीडियो को जो भेजते हैं सेंट में उसको भी आप डिलीट कर दीजिए, और यहाँ से देखिए ऑडियो वगैरह जो भी अननेसेसरी है उसको डिलीट कर दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ से आप आइए और देखिए, जो आप व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं, आप में से बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि जो आप व्हाट्सएप पर स्टेटस देखते हैं वो भी आपके मोबाइल में सेव हो जाता है। और जो आप इंस्टाग्राम पर भेजते हैं, इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो अगर सेंड करते हैं तो वो भी आपकी मोबाइल में सेव हो जाती है, और इंस्टाग्राम पर अगर कोई डाउनलोड करते हैं तो वो भी आपके मोबाइल में डाउनलोड जो है कि मेमोरी कार्ड में सेव हो जाती है। तो जो हम सेंड करते हैं जितने भी एमबी का, उतने एमबी हमारा स्पेस हमारी मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है। तो उसको आप यहाँ से इंस्टाग्राम पर क्लिक करके उसको डिलीट कर दीजिए।
फिर उसके बाद यहाँ से आप आइए, जितने अननेसेसरी आपके फोल्डर बने हुए हैं वहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ से एंड्रॉयड का जो फोल्डर बना हुआ है इसमें आपका बैकअप पूरा नेट का होता है, आप इसको डिलीट कर दीजिए। आपका फ़ोन एकदम फ्री चलने लगेगा, एकदम आपकी पूरी मेमोरी खाली हो जाएगी और आपका फ़ोन अच्छे से वर्क करने लगेगा। आपके फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। इसको आप जो है एक हफ्ते दो हफ्ते में इसको क्लियर करते रहिए और आप अपना फ़ोन अच्छे से चला पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए।